हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करें क्या रोमन रेंज वर्सेज रॉक के मैच के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। क्या रॉक वर्सेज रोमन रेंज के मैच अब हम जल्द ही देखने को मिलने वाला है WWE में। तो इस मैच के रिगार्डिंग क्या ऑफिशियली रॉक ने अभी रिवील किया है, तो फ्रेंड्स मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मान लो कि अभी से कुछ दिन पहले जब WrestleMania 36 होने वाला था, तो WrestleMania 36 से पहले WWE WrestleMania 37 का लोगो रिवील कर दिया है। वहाँ पे रोमन रेंज जाते हैं और रोमन रेंज बोलते हैं कि वहाँ वो अपने कजिन को फेस करेंगे अगर प्लेस अच्छा होगा तो। तो फ्रेंड्स अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू होता है जहाँ पे रॉक जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि रॉक वर्सेज रोमन रेंज इज इट पॉसिबल। तो उनसे पूछा जाता है क्या रॉक वर्सेज रोमन रेंज का मैच कभी हमें WWE में देखने को मिल सकता है, क्या ये मैच पॉसिबल है। तो बोलते हैं श्योर एनीथिंग इज पॉसिबल। वो बोलते हैं कि हाँ हर कुछ दुनिया में पॉसिबल है, यानी कि हर चीज़ पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स उसके बाद वो खुद बोलते हैं कि मैं आई एम ऑलवेज ओपन कूल माइंड, यानी कि वो हमेशा कूल माइंडेड पर्सन है, यानी कि वो हमेशा फेस करना चाहेंगे। और वो बोलते हैं कि प्रो रेसलिंग को कभी भी नेवर से नेवर, यानी कि प्रो रेसलिंग को कभी नेवर नहीं कहा जाता, यानी कि प्रो रेसलिंग को कभी भी मना नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि मैं आप जानता हूँ कि मेरे जो मेंटर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं मेरे, या जो मेरे बिजनेस को हैंडल करते हैं विंस मैकमैन, उनके सामने तो और मैं कभी भी नेवर नहीं कह सकता हूँ, यानी कि मैं कभी भी मना नहीं कर सकता हूँ। अगर ये फैमिली की बात है तो मैं तो उन्हें फेस जरूर करना चाहूँगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर जगह अच्छी होगी, अगर प्लेस अच्छा होगा, अगर बिजनेस अच्छा करने लायक होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर अपने कजिन को फेस करना चाहूँगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाला जो WrestleMania 37 है उसमें हमें रॉक वर्सेज रोमन रेंज का मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले रोमन रेंज ने खुद बोला था कि वो अपने कजिन को फेस करना चाहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि रॉक वर्सेज रोमन रेंज का मैच हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है, और ऐसा हो सकता है कि WrestleMania 37 में ही हमें देखने को मिले, क्योंकि आपको मालूम हो कि WrestleMania 37 हॉलीवुड का हब है और हॉलीवुड के तो राजा हैं रॉक। तो ऐसा हो सकता है कि हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिल सकता है WrestleMania 37 में। तो फ्रेंड्स आप मुझे पर्सनली नीचे लिख के बताएं कमेंट में कि क्या WrestleMania 37 में रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम हो कि अभी तो मतलब WrestleMania 37 पे भी कोरोना वायरस का कहर छा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे मेयर है WrestleMania 37 यानी कि लॉस एंजलिस का जो मेयर है वो बोल दिया है कि आने वाले एक साल में कोई भी बड़ा इवेंट वहाँ पे नहीं होगा। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि इस साल का WrestleMania 37 कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि WWE के पास अभी बैकअप प्लान है तो वो कोई और सिटी में ले जाके ट्रांसपोर्ट या कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ये भी नीचे कमेंट में लिखे बताएं कि इस साल का WrestleMania 37 होगा या नहीं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग से न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली पीस आउट फ्रेंड।